भाई ये वही यार्ड है। अब इसमें एक सिग्नस ये इसके पास खड़ी है, एक सिग्नस ये खड़ी है, वहाँ जो मैंने आपको दिखाई थी वहाँ दो सिग्नस इसकी खड़ी है, एक वो खड़ी है, एक उससे आगे जो मैंने आपको वीडियो में दिखाई थी वो सिग्नस खड़ी, एक सिग्नस वो खड़ी है जनाब, एक ये खड़ी है। अब ये सिग्नस जो है इसमें मार्क एलिमेंसन के स्पीकर लगे हुए हैं, नाइट विजन इसमें भी नहीं है, जोड़ा नहीं है इस बंदे। अच्छा, इसके अंदर कुछ और भी एडिशनल ऑप्शंस दिए हुए उस शोशा वाले, देखिए ये मार्क एलिमेंसन है, ये देख इसकी सीट देखें, ये अपनी जेनुइन सीटों में है, वो गाड़ी तो खास सीटों में से भी ज़्यादा साफ थी, बहुत नई गाड़ी है इस बंदे। द सेम अब ये सिग्नस है, इस बंदे की गाड़ी आउटस्टैंडिंग है सर। बस ये एक मसला है, इसके पास कोई 6 या 7 या 8 सिग्नस खड़े हैं, किसी में भी लाइट विजन नहीं है। मनीष भाई अगर आपको एक मिसाल बात कर रहा हूँ, इस गाड़ी का हकीकत में जोड़ा नहीं है बॉर्डर पे, इसकी जो लेदर जो ड्राइविंग सीट है ज़ीरो है, अपने जेन्युइन लेदर है इसका, कोई चीज़ चेंज नहीं हुई है, इस गाड़ी का जोड़ा नहीं है। ये गाड़ी इस बंदे के पास 3 महीने से खड़ी हुई है, बस ये कि इसमें नाइट विजन नहीं है। आपका नाइट विजन का इशू है, ये गाड़ी पक्का 2003 का मॉडल है, यार्ड में खड़ी हुई है, इस गाड़ी का जोड़ा नहीं है। अब ये मैं समझता हूँ कि नाइट विजन जो है ये कोई ऐसा ऑप्शन तो नहीं है जो पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है, लेकिन इस गाड़ी का यकीन करें जोड़ा नहीं है। इसका रूम, इसका इंजन, इसकी बॉडी, इसमें रिपेंट टचिंग मचिंग कुछ भी नहीं है, ऐसी गाड़ी है कि बला गाड़ी है। हमें तो गाड़ियों की समझ है, जो गाड़ी आउटस्टैंडिंग होती है उसकी बात ही कुछ और होती है। ये आउटस्टैंडिंग गाड़ी 2003 का मॉडल है, बहुत आउटस्टैंडिंग गाड़ी है ये।